हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ टीम्स फॉरविन। सो आई होप आप से काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा विन कर रहे होंगे। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले बेल्जियम वर्सेस रशिया का, और जो लेट नाइट यूरो लीग का यूरो चैंपियनशिप लीग का जो मैच होने वाला है, सो उसके हम बात करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच है ये, ग्रैंड लीग भी आप इस मैच में लाइक ट्राई कर सकते हो। काफ़ी सही एक ग्रैंड लीग के लिए मैच ये बन के आ सकता है, बाकी स्मॉल लीग के लिए भी काफ़ी सही है। सो कौन से आपके लिए स्मॉल लीग्स के लिए बेस्ट प्लेयर रहेंगे, कौन से आपके लिए मस्ट पिक प्लेयर्स हैं, रशिया की तरफ से आप किन प्लेयर्स को जो पिक कर सकते हो, सो उन सब की बात करेंगे। सो आखिर तक देखते रहना, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, एंड वीडियो को जो है लाइक करके आगे बढ़ना। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना आगे आने वाली वीडियोस के लिए, ताकि आपको जो हेल्प मिलती रहे। एंड वीडियो को देखने के बाद, लाइनअप्स वगैरह जानने के बाद, क्या कुछ प्लेयर परफॉर्मेंस है, सो उन सबको देखने के बाद आपके लिए जो फुटबॉल की टीम बनानी है वो बिलियो में काफ़ी ईजी हो जाती है। तो 9 मिनट या 10 मिनट जितने की वीडियो होती है, सो वो इन्वेस्ट करोगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ग्रैंड लीग एंड स्मॉल लीग के लिए। बाकी इन सभी के अपडेट्स के लिए, या फिर अगर आपको कोई भी डाउट होता है, या फिर मतलब कि कोई भी आपके लिए क्वेश्चन होता है, तो ना वो मेरे से टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ सकते हैं। बाकी अपडेट्स वगैरह एंड फाइनल जो स्मॉल लीग की टीम है वो भी आपको वहीं पर मिलेगी। सो जाके ज्वाइन कर लेना, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लोगे, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो, बट बेस्ट रहेगा अगर आप लिंक से ज्वाइन करते हो तो। एंड अभी चलते हैं अपने फटाफट से सीधे प्रीव्यू के ऊपर। सो ये मैच जो होने वाला है वो है इधर से बेल्जियम वर्सेस रशिया के बीच में। 12:30 रहेगी इस मैच की डेडलाइन। बाकी वेन्यू की बात करें तो गाजप्रोम अरेना सेंट में ये मैच होने वाला है, पीटर्सबर्ग रशिया। सो रशिया का होम ग्राउंड है, बेल्जियम जो है आज के लिए अवे टीम है, बट ज़्यादा कुछ ग्राउंड्स है नहीं, कोविड रेस्ट्रिक्शंस की वजह से कुछ ज़्यादा लाइक कंट्रीज़ में मैचेस नहीं हो रहे, सो थोड़ा सा फ़र्क कम पड़ेगा। लाइक ये अवे एंड होम ग्राउंड का जो एडवांटेज है वो काफ़ी कम ही देखने को मिलेगा। लाइनअप्स की बात करते हैं अभी सीधा अपने, देन बेल्जियम की तरफ से कोर्टोइस, इनके जो सबसे एक्सपीरियंस गोलकीपर है वो करने वाले गोलकीपिंग। उसके बाद में एल्डरविल, डिनायर, वर्टुंगन एंड कास्टाग्ने, जो आपको चार इनके मेन डिफेंडर्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में टीलमैन, डेंडोकर, कैरस्को, मैं बोलूँ तो ये सब आपको लाइक देखने को मिल सकते हैं इधर से। टीलमैन, डेंडोकर, कैरस्को आपको मिडफील्ड में, उसके बाद मर्टेंस, हजार्ड आपको विंगर्स, एंड देन लुकाकु आपको सेंटर फोर्ड पोजिशन। ये कुछ जो है आज के लिए इनका एक लाइन ऑफ फॉर्मेशन बन के आ सकता है। बाकी बेंच प्लेयर्स में अगर ये खेलते हैं तो ये रहेंगे बेंटेगन एंड बादशाह, जिनके आप गोल्स वगैरह देख सकते हो। अगर खेलते हैं तो काफ़ी अच्छे पिक जो बनेंगे, गोल्स वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं अगर खेले तो। अदरवाइज उसके अलावा लुकाकू इनके मेन प्लेयर है, सेंटर फोर्ड में खेलेंगे, सबसे मेन स्ट्राइकर, गोल वगैरह इन्हीं की तरफ से आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। 93 मैचेस में 60 गोल्स हैं इनके। बाकी हज़ार्ड की बात करें, अगर आपने देखा हो कभी हज़ार्ड को तो आपको पता ही हो कैसा प्लेयर है, सो काफ़ी इंप्रेसिव एंड असिस्ट वगैरह के चांसेस इनके काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। लुकाकू के गोल में इनके काफ़ी असिस्ट रहते हैं, सो ट्राई कर सकते हो। मर्टेंस भी लुकाकू की तरह, सो एंड सामने जो टीम है वो थोड़ी सी वीक है, सो आप या तो तीनों को रख सकते हो, या फिर अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो मर्टेंस, हज़ार्ड दोनों, मर्टेंस एंड लुकाकू दोनों को रखना, एंड हज़ार्ड को आप ड्रॉप कर सकते हो बाकी, या फिर इन दोनों में से किसी भी एक को, क्योंकि लुकाकू तो आपके मस्ट पिक रहेंगे। उसके बाद में है करेस्को, डेंडोकर, टीलमैन में से एक चॉइस आप कर सकते हो किसी भी एक को, अगर इन तीनों को ले लेते हो तो इन तीनों को ड्रॉप कर सकते हो फिर, ये एक चॉइस है आपके पास, क्योंकि सभी को तो नहीं ले पाओगे ना, साथ ही प्लेयर लेने हैं आपको। सो एंड उसके बाद में एल्डरविल्ड एक मस्ट पिक बनते हैं, वेटोंगा ने काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक बनेंगे, मेन स्ट्राइकर से सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर आप बोल सकते हो। उसके बाद में आप कास्टाग्ने या डिनायर किसी एक को प्रेफर कर सकते हो, या फिर दोनों को भी साथ में जा सकते हो। इंजरी वगैरह ऐसा दोनों ही टीम्स की तरफ से नहीं है, सो इंजरी की कोई दिक्कत है नहीं। बाकी अगर आपको देखा होगा तो डी ब्रुइन नहीं खेलने वाले हैं, वो है इंजर्ड, एंड उन्होंने जो स्क्वाड के साथ ट्रैवल भी नहीं किया है, सो उनको आप इग्नोर करके चलना। रशिया की बात करते हैं, शूनिन जो इधर से गोलकीपिंग करेंगे, उसके बाद बेरिनो, डिजिकिया, सेमनेव, फर्नांडिस आपको देखने को मिलेंगे इनके डिफेंस सेक्शन में। उसके बाद में आते हैं जोबनिन, ओजुडियो, कुजियो एंड मिरांचुक, एंड साथ में गोलोविन जो आपको मिडफील्ड सेक्शन में देखने को मिलेंगे, एंड डाजुबा जो इनके मेन स्ट्राइकर है वो रहेंगे। डाजुबा का अगर हम गोल देखते हैं 52 मैचेस में 29 गोल्स है इस प्लेयर के, मेन स्ट्राइकर है रशिया का, सो आपको प्रेफरेबल एक लाइक मस्ट पिक मैं बोलूँगा, क्योंकि हमेशा ना टीम के एक मेन स्ट्राइकर को प्रेफर करके चलो, अगर उसको नहीं लेते हो तो एटलीस्ट फिर आपको दो मिडफील्डर तो लेने पड़ेंगे, जो गोल वगैरह के चांसेस इनके ज़्यादा बनते हैं, जो डिफेंसिव नहीं अटैकिंग मिडफील्ड में खेलते हो। सो या तो आप अटैकिंग मिडफील्ड के दो प्लेयर ले लो, या फिर एक मेन स्ट्राइकर, सो मेन स्ट्राइकर ज़्यादा इंपॉर्टेंट एज सच रहता है इंटरनेशनल मैचेस में, तो खासकर क्योंकि 90% ऑफ द गोल जो है उसी की तरफ से देखने को आपको ज़्यादातर मिलेंगे। एंड इधर भी अगर आप देखोगे तो इन सब के मिलाकर भी लाइक 29 गोल्स आई थिंक नहीं होंगे जितने डाजुबा ने अकेले ने मारे। बाकी सोबोलोव अगर खेलते हैं तो ट्राई कर सकते हो, 6 मैचेस में 3 गोल्स हैं उनके। बाकी गोलोविन एक इंपॉर्टेंट पिक बनेंगे लाइक हजार्ड इन बेल्जियम, सो गोलोविन भी एक अच्छे प्लेयर है, असिस्ट वगैरह काफ़ी करने के चांसेस रहेंगे, की पासेस काफ़ी ज़्यादा करेंगे, टैकल्स, इंटरसेप्शन के भी पॉइंट आपको दे सकते हैं।
उसके बाद में आते हैं मिरांचुक, फ्री किक्स वगैरह ये ले सकते हैं, पेनल्टीज़ देखे तो इधर से डाजुबा लेंगे एंड बेल्जियम की तरफ से हजार या लुकाकू में से कोई पेनल्टीज़ ले सकते हैं, लुकाकू भी ज़्यादा चांसेस है पेनल्टीज़ लेने के। बाकी उसके बाद में और अगर हम देखते हैं डिफेंस सेक्शन में, तो अगर आप देख रहे हो डिफेंस में से किसी को लेने का तो फर्नांडीज़ की तरफ जा सकते हो, मे बी इन अ रेयर केस काफ़ी कम चांसेस है कि फर्नांडीज़ असिस्ट कर दे, बट चांसेस बन सकते हैं क्योंकि पहले भी कर चुके हैं। सो अगर एटलीस्ट डिफेंडर ले रहे हो तो फिर फर्नांडीज़ के साथ ही जाना, बाकी मैं सजेस्ट इतना करूँगा नहीं क्योंकि ज़्यादा जो पोजीशन है वो बेल्जियम के पास ही रहेगा। सो काफ़ी कमी कमेंट देखने को मिल सकते हैं अंटिल एनलेस अगर टैकल्स वगैरह कुछ ज़्यादा ही कर दे फर्नांडीज़ या रशिया का कोई भी डिफेंडर। सो ये रहेंगे इम्पोर्टेंट प्लेयर्स रशिया की तरफ से, इधर से गोलोविन, डाजुबा, मिरांचुक आपको बता दिए, इधर से जोबनिन या फिर ओजडेव के साथ में जा सकते हो, एंड डिफेंस अगर लेना चाह रहे तो फर्नांडीज़। बेंच प्लेयर्स आपको पता है, हेड टू हेड मैचेस आज तक इन दोनों टीम्स के बीच में हुए, सिर्फ 7 मैचेस 5 जीते हैं बेल्जियम ने, 2 रहे हैं मैचेस ड्रो इन दोनों टीम्स के बीच में। अगर हम पिछले 7 में देखते हैं तो मोस्टली 7 में से 4 मैचेस में तो एटलीस्ट 3 से ऊपर ही गोल देखने को मिले बेल्जियम की तरफ से, एंड रिसेंट अगर हम देखते हैं पिछले 3-4 सालों के मैचेस तो उसमें देखोगे तो रशिया का जो एक इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच हुआ था 2017 में 3-3 का रहा था उसमें स्कोर, उसके बाद में 2019 में हुआ था यूरोपियन चैंपियनशिप का ही ये मैच था, 3-1 से जो है बेल्जियम ने जीता था। सो 3 गोल आपको देखने को मिले। उसके बाद में रशिया बेल्जियम 16th of November को हुआ था 2019 में ही, यूरोपियन चैंपियनशिप का था, 4-1 से जो है बेल्जियम ने वो मैच भी जीता था। सो पिछले 3 मैचेस में तो 3-3 गोल जो है बेल्जियम की तरफ से देखने को मिल रहा है। सो काफ़ी एक हाई गोल स्कोरिंग मैच है, इसी वजह से मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि आप बेल्जियम की तरफ से एटलीस्ट ये तीनों को ले, अगर आप इनमें से किसी को ड्रॉप कर रहे हो तो फिर टीलमैन या फिर कैरेस्को को तो मस्ट पिक लेना ही लेना है आपको। सो ये रहेगा अभी के लिए, बाकी अभी चलते अपनी स्मॉल लीग टीम के ऊपर। उससे पहले एक बार ग्रैंड लीग के प्लेयर्स और मैं बता दूं आपको, सो ग्रैंड लीग में टीलमैन के साथ में जा सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन एटलीस्ट ट्राई करके, काफ़ी कम चांसेस है गोल करने का बट अगर करते हैं तो आपको लाइक ग्रैंड लीग इजीली विन करा सकता है प्लेयर। सो इधर से टीलमैन को ट्राई कर सकते हो, एंड उसके बाद में अगर हम देखें दूसरे ग्रैंड लीग प्लेयर जो रशिया की तरफ से बनते हैं, क्योंकि बेल्जियम में मोस्टली जो कॉमन प्लेयर्स रहेंगे सो इनको भी लेकर ट्राई करना, बट टीलमैन एक थोड़े अलग डिफरेंशियल पिक हटके आपके लिए हो सकते हैं। रशिया की तरफ से जो मैं बोलूँगा, गोलोविन को ट्राई कर सकते हो, मिरांचुक को ट्राई कर सकते हो एज अ रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन, ग्रैंड लीग की टीम में सेफ रहेंगे डाजुबा। सो अभी चलते अपनी स्मोली की टीम के ऊपर एक बार। सो अगर हम टीम देखें बेल्जियम वर्सेस रशिया के बीच में, देन शूनिन को लिया है गोलकीपर, उसके बाद एल्डरविल, वर्टोंगन एंड काश्टागने, 3 डिफेंडर्स है क्योंकि एक हाई गोल स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है जैसा अभी रिसेंट में देखने को मिला है, लाइक 3 गोल्स तो एटलीस्ट बेल्जियम मारती है। सो मैं एटलीस्ट 2 तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 2 से 3 गोल तो। सो इसी वजह से हजार्ड, लुकाकू एंड मर्टेंस तीनों मेन स्ट्राइकर्स को पिक किया, एक ऑप्शन है मेरे पास इधर टीलमैन, चाहो तो आप टीलमैन की जगह पर आपके पास ऑप्शंस बचते हैं, बट कैरेस्को है, 0.5 क्रेडिट आपके पास दिक्कत आ सकती है, 0.5 क्रेडिट आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हो। इधर से आप कुजियो की जगह पर जोबनिन को पिक करते हो एंड देन आपके पास 0.5 मैनेज हो जाएंगे। सो इधर से ये चेंजेस आप कर सकते हो, बाकी अभी के लिए मैं प्रेफर करूँगा कि वापस से हम वही कॉम्बिनेशन जो है बना लेते हैं जो मैंने अभी बनाया हुआ था। सो ये रहेगा टेलमैन अभी इधर से प्रेफर किए हुए हैं, उसके बाद है डाजुबा, गोलोविन एंड देन कुजियो। सो आपको ऑप्शंस बता दिया, कुजियो की जगह पर जोबनिन के साथ में जा सकते हो, अगर आपको 0.5 क्रेडिट कहीं पर भी दिक्कत आ रही है, किसी भी प्लेयर को आप पिक करना चाह रहे हो देन कुजियो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ गोल वगैरह इन रेयर केस देखने को मिल सकते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि अगर गोल होता है देन डाजुबा या फिर गोलोविन की तरफ से ही होगा। सो ये है, बाकी थोड़े से रिस्की बनेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पिक किए हुए हैं, बट मैं इनको इतना इंपॉर्टेंट जो इतना एक प्रेफरेंस है वो इतना नहीं दूंगा। जो हमने एक टैकल्स इंटरसेप्शन के पॉइंट आपको ठीक ठाक दे सकते हैं, बाकी अगर एक रिस्की पिक इधर से आप ग्रैंड लीग में जब ट्राई करो तो आप इधर से मर्टेंस को ड्रॉप करके, डाजुबा को ड्रॉप करके, लुकाकू के साथ में एक कॉम्बिनेशन मिरांचुक का जो है बनाकर चलना इधर से लाइक दैट। सो ये रहेगा, बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर हम बात करें तो कैप्टन आप हजार्ड को ट्राई कर सकते हो, लुकाकू एक अच्छे पिक रहेंगे क्योंकि गोल सबसे ज़्यादा इनके ही हैं बेल्जियम की टीम में एंड गोल करने के चांसेस भी इन्हीं के बनते हैं। सो लुकाकू कैप्टन, वाइस कैप्टन हजार्ड या फिर वाइस कैप्टन जो है मर्टेंस के साथ में आप जा सकते हो, एक अच्छे आइडियल चॉइस जो मर्टेंस एंड लुकाकू का एक बन सकता है। बाकी चाहो तो आप वाइस कैप्टन में भी डिफेंडर को भी ट्राई कर सकते हो, जैसे कि वर्टोंगन हो गए या फिर एल्डरविल्ड हो गए। सो कैप्टन लुकाकू एंड वाइस कैप्टन वर्टोंगन, ये भी एक ठीक ठाक कॉम्बिनेशन है बट थोड़ा सा रिस्की बन जाता है स्मॉल लीग के लिए। सो सेफ वही हजार्ड, लुकाकू एंड मर्टेंस का रहेगा।
सो ये थी अभी के लिए मेरी टीम। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद हो तो आप जो वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ या फिर कोई भी फीडबैक सजेशन देन आप वो मेरे को बता सकते हो। एंड अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को भी जो सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी जो मैच की वीडियो मिस ना करो। एंड आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा एंड इस मैच में भी आप काफ़ी अच्छा विन करो। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।